जवाब दीजिए। जी कबूल है। तो ऐसे होता है यहाँ पे नई नवेली दुल्हन का स्वागत? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो जवान बस थोड़ा जज्बाती है, बात बात पे भाग जाता है। ये मेहंदी की लाली नहीं, किसी के अरमानों का खून है। वो मर रही है वहां। अमर, अमर, डॉक्टर कहाँ है? बुलाओ उसे, मेरी बच्ची को बचा। खबरदार, खबरदार, जो मेरी बच्ची का नाम भी अपनी जबान पर लाए तो तुम, अगर वो मर गई ना तो उसका चेहरा तक नहीं देखने दूंगी तुम लोगों को। मेरी जिंदगी थी, फिर वो कैसे इसको छीनने का फैसला कर सकती है? उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, उसने ये नहीं देखा कि मैं यहां मर रहा हूं। भाई ये काफी नहीं था? जिंदगी में सिर्फ जज्बात से किए फैसलों का नतीजा ऐसा ही होता है। मेरा जज्बाती फैसला नहीं था भाई, फौजिया की जिंदगी का सवाल था। जिंदगी तो अमन की भी थी, उसका क्या? कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था मेरे पास भाई। इस सिचुएशन में किसी ना किसी ने तबाह होना ही था। मुझे अपनी तबाही में जरूर थी, लेकिन फौजिया की नहीं भाई। अमन की तकलीफ मुझे मार देगी भाई, उसकी रुकती सांस से मेरे दिल में अटक जाएंगी। मेरा दम घुट जाएगा भाई, मेरा दम घुट जाएगा। मैं मजबूत होना होगा। जिंदगी में ऐसे फैसलों को निभाने के लिए अपने कुव्वत इरादे को मजबूत करना पड़ेगा। एक उम्र लग जाती है, लेकिन तुम्हें उम्र देनी होगी। चाहे तो मैं सारी उम्र को सारी पकड़ू, लेकिन उसका एक आंसू मुझे तोड़ देगा। मैं बिखर जाऊंगा भाई, मैं बिखर जाऊंगा, उससे नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग। खूबसूरत तो मैं हूं, लेकिन फवाद जी को मेरा यह हुस्न नजर ही नहीं आता। बहुत लापरवाह है, पूरी रात मैं यहाँ पे बैठी डरती रही, लेकिन उनको जरा भी परवाह नहीं है मेरी। लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कहते हैं जिनके लिए तुमने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी है। तुम्हारे दिल पर पत्थर रखना होगा और इस माजी को बुलाना होगा जो तुम्हें कमजोर कर रहा है। प्लीज भूल जाओ, मोहब्बत को भूल जाओ, अमल को भूल जाओ, उसकी तड़प, उसके आंसू, ये सब मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई, कैसे? फवाद, उसकी तड़प, उसके आंसू तुमने ही दिए हैं उसको। उसकी मोहब्बत और वफा को छोड़कर तुमने किसी और का हाथ थामा। तुम्हें इस हकीकत को कबूल करना पड़ेगा कि वो हकीकत है जो तुम्हारे घर पर तुम्हारा नाम लेकर बैठी हुई है। उसका क्या होगा, बोलो, जवाब दो मुझे, क्या होगा उसका? वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसको तुम्हें ही संभालना है।
अमल उसकी फिक्र तुम ना करो, किस्मत जरूर उसके लिए भी किसी ने किसी को चुना होगा। किस्मत इतनी कठोर दिन में बहुत देर होगी, तुम्हें घर जाना चाहिए, नाजे तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। भाई मगर इट्स ओके, हम हैं यहाँ पर, तुम घर जाओ, नाजे तुम्हारी बीवी है, उसको इंतजार कराना अच्छी बात नहीं है। शी वाज योर और हाँ फौजिया के घर जरूर जाना, मैं और माँ शायद ना जा सके, मैं तुम्हें जाना होगा। ओके थैंक्स भाई। Listen, you're strong, be brave. मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर ये ताकत है, you can do this. Thanks, bye. मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, देख लेना एक दिन फवाद जी भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करेंगे। I'm sorry मामा, पता जब तुम्हारे पापा का इंतकाल हुआ तो मुझे बड़ी शिकायतें थी उनकी बेवफाई की, लेकिन तुम्हारी सूरत में वो मुझे जीने की वजह दे गए थे। शायद मैंने मुझ पर तरस आ गया था, पर तुम्हें तो वो तरस भी नहीं आया ना मुझ पर, अकेले छोड़ के जाना चाहती थी मुझे। मुझे माफ कर दे, माफी तुम मुझे मांगनी चाहिए, मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई होगी जो मैं तुम्हें तुम्हारी जान लेने से रोक नहीं पाई। मुझे माफ कर दे, मेरे लिए तो सब कुछ आप है मामा, झूठ सब झूठ। अगर ऐसा होता तो क्या मैं तुम्हें जिंदगी के लिए सिसकता हुआ देखती, इन हाथों में तुम्हारा तड़पता हुआ जिस्म था और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, बहुत बेबस थी तुम्हारी माँ। बोलो क्यों किया तुमने इस तरह से, जवाब दो मुझे, मेरी मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं तुम्हारी नजर में, कोई इस तरह से छोड़कर जाता है अपनी मां को, जीते जी मारना चाहती थी तुम मुझे, बोलो। हाँ मां मुझे माफ कर दे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जिंदा नहीं रह पाती ना बेटा, तुम मेरे लिए सांस लेने की वजह हो, मेरी जान हो तुम, आइंदा ऐसा कभी मत कर, सोचना भी नहीं ऐसा। नाजो आंखें खोलो। आ गया। आप यहां ऐसे क्यों लेटी हैं? नींद आ रही थी तो अंदर बेड पर सो जाती। आपका इंतजार कर रहे थे। आपको मेरा इंतजार करने को किसने कहा था?
आप ये जहमत मत करें। जानती हूँ आपने नहीं कहा कि मैं आपका इंतजार करूं, लेकिन आपका इंतजार करना मेरा फर्ज है। फवाद जी, मुझे पता है मैं जबरदस्ती आपकी जिंदगी में शामिल हुई हूँ, और जबरन हमदर्दी तो की जा सकती है लेकिन मोहब्बत नहीं। और आपकी ये हमदर्दी मेरी मोहब्बत की तौहीन है। तौहीन? अरे आपको तो बड़ी इज्जत से मेरे नाम के साथ इस घर में लाया गया है। जानती भी है मोहब्बत की तौहीन क्या होती है? जब मोहब्बत आपके पैरों पर बैठकर भीख मांगने पर आ जाए ना, और आप उसे ठुकरा दें, इससे बढ़कर क्या तौहीन हो सकती है? देखें मेरी तरफ, गौर से देखें। मैं हूं वो बदकिस्मत इंसान जो इस गुनाह का मुर्तकिब हुआ है और इसकी सजा अभी तक भुगत रहा हूं। वो वहां मर रही है, उसकी सांसें उखड़ती हैं ना तो मेरी जान यहां आ जाती है। मोहब्बत की बात करती है, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया फवाद जी, बहुत बड़ा गुनाह। दो दिलों को तोड़कर अपना दिल जोड़ने का गुनाह, और इसके लिए खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन लेकिन फवाद जी, आप मुझे माफ कर दें, प्लीज मुझे माफ कर दें। अरे ये क्या कर रही हैं आप, प्लीज ऐसे मत करें। दिल दुखाया है मैंने, सजा तो मिलेगी, और अपनी सजा मैंने अपने लिए खुद तजवीज कर ली है। आपसे जुदाई, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। आपके नाम के साथ मैंने अपना नाम तो जोड़ लिया, लेकिन लेकिन किस्मत से हार गई, और जब नसीब जुदाई लिखने पर आ जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी किस्मत ने मुझे हरा दिया फवाद जी, शेलू है ना, तुमने कल से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा कुछ खा लो। अच्छा ऐसा करो कि चाय पी लो। मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही। तुम जानती हो ये तुम्हारी बचपन की आदत है, जब तुम छोटी थी ना तो किसी बात की जिद पकड़ लेती थी तो छोड़ती नहीं थी, कितना ही मनाती थी मैं तुम्हें, लेकिन तुम अपनी जिद पे अड़ी रहती थी। और आप, आपकी भी तो यही आदत थी ना, जब आपको अपनी बात मनवानी होती है तो चाहे कोई तबाही क्यों ना हो जाए आप अपनी बात मनवा कर रहती हैं। खाला, मेरी डॉक्टर से बात हुई, अमल अब बहुत बेहतर है, हमारे साथ घर जा सकती है। हमारे साथ? हमारे साथ नहीं, मेरे साथ। जब उसे ला सकती हूँ तो लेकर भी जा सकती हूँ, हम लोगों की कोई एहसान की जरूरत नहीं है। ठीक, हमारा साथ तो शायद एक रात का भी ना था। ये आप क्या कह रहे हैं, क्या सोच रही हैं आप? सोचने का वक्त तो निकल गया, अब तो अमल करने का वक्त है, खुद पर सजा वाजिब करने का वक्त है। शादी के कुछ ही घंटों बाद मुझे अंदाजा हो गया था कि मैंने कैसे समंदर में छलांग लगा दी है, जिसका ना किनारा और ना ही मंजर। एक ही रात मेरा इरादा बदल गया, मोहब्बत का तूफान थम गया।
आपके दावे तो बड़े कमजोर निकले। काफी कम वक्त में मेरी राय कायम कर ली आप। अगर मैं अपनी मोहब्बत पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ, तो उसका साथ पाने के लिए क्या कुछ कर सकती हूँ, ये बात शायद आप अभी नहीं जानते। लेकिन अगर मेरे जाने से किसी मरते को दो बूंद जिंदगी मिल रही है, तो मैं खुशी खुशी पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। गुनाह तो मैंने किया ना, सजा कोई और क्यों भुगते। अपने इस दिल पर हाथ रख के मुझे बताएं, क्या कभी भी इस दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह बन सकती है? नहीं ना, सारी रात इन आंखों ने इस चेहरे का इंतजार किया, लेकिन मेरा इंतजार तो इंतजार ही रह गया। और अगर मैं आपके दिल में नहीं रह सकती तो मुझे इस दुनिया में भी नहीं रहना। मर जाना चाहती हूं मैं। मैं नहीं जानता कि आपकी नजर में रिश्तों की क्या अहमियत है, लेकिन मेरे लिए इबादत से बढ़कर है और इबादत का किबला कभी नहीं बदलता। आप मेरी बीवी हैं, मेरे लिए काबिले इज्जत, काबिले एहतराम, और मैं नहीं चाहता कि मेरी इज्जत अपने आप को कमतर समझे। आप यहां से कहीं नहीं जा रहे और अब इसमें हम बात नहीं करेंगे, ओके? देख लीजिएगा फवाद जी, अगर इस अमल की मोहब्बत आपके दिल से ना निकाल फेंकी तो मेरा नाम भी ना सुने। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ आपके ही हाथ में है, लेकिन हमारा भी तो कोई फर्ज है ना। फर्ज? कैसा फर्ज? और फर्ज तो वहां बनता है ना जहां किसी का कोई हक हो, और तुम लोग ये हक गंवा चुके हो। देखिए खाला, एक बात गौर से सुन लीजिए, अमल मेरी बहन है और ये हक मुझे और कोई नहीं छीन सकता। बस प्लीज खाला, प्लीज इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं अमल के डिस्चार्ज पेपर्स तैयार करवा रहा हूं, वो मेरे साथ घर जाएगी। बिना चाय पी लो कम अज कम। इतना सब हो गया और मुझे किसी ने बताया ही नहीं। क्या बताता, वक्त ही नहीं मिला क्या? मुझे उससे ऐसी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। तो मुझे यकीन था कि वो ऐसा ही कुछ करेगी। समझाया था उसे फौजिया, समझ आना चाहिए था, पता नहीं वो ऐसे क्यों कर रही हो। तुमने समझा लिया खुद को? तुम्हारा दिल समझ गया? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। हाँ कभी कभी दिल बगावत कर लेता है, अगर तुम मुझे जानती हो, मैं रिश्तों में ईमानदारी का कायल हूँ, रिश्ते जोड़ कर तोड़ नहीं सकता।
कागज के टुकड़े पर साइन कर देने से रिश्ते नहीं जुड़ते। तुम उसे दुख देकर खुद भी तकलीफ में। हाँ मैं हूँ तकलीफ में फासिया। उसकी उखड़ती सांसें मुझे अजियत देती हैं, लेकिन ये सब मानने से क्या होगा? मैं उसकी तकलीफों को कैसे खत्म करूंगा? इसीलिए मना करती थी। मैं खुद को तबाह करके दूसरों का बात करने के ख्वाब बेवकूफी है। क्यों सोचूं मैं सबका? जब किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा तो क्यों सोचूं? सब तमाशाई बने देखते रहे और अब आ गए मुझे समझाने के लिए। इस वक्त हालात कुछ और थे, हम मजबूर हो गए थे। That's all. इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम अपनी जान दे दो। मोहब्बत कब मजबूर होती है अफवान भाई, बताएं मुझे। मैंने फवाद से कहा था कि वो डायन है, सबको खा जाएगी, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी। देखा देखा क्या हुआ? तुम नाजिया को गलत समझ रही हो, बिल्कुल ऐसी नहीं। उसने आपके दिल के साथ क्या किया, भूल गया? और आपको अब भी उसमें कोई याद नजर नहीं आ रहा? और मैंने अपनी खुशियों का गला घोट दिया है, अपने दुखों को भूल चुका हूं मैं। ये सोच के कि मैं किसी और की मोहब्बत में जबरदस्ती का हिस्सेदार नहीं बनना चाहता, उसकी मोहब्बत से दस्तबरदार हो चुका हूं मैं, भूल चुका हूं उसे। दस्तबरदार होने से मोहब्बत खत्म हो जाती है? नहीं, दुख कम हो जाते हैं। प्लीज उसे समझाओ, तो इस वक्त मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम बात करोगी तो शायद मान जाए। ठीक है, मैं उसे समझाऊंगी, तुम परेशान ना हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या रहे हैं? कैसे? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बेटा। बैठो बैठो। तुम्हारी खाला की बेटी का सुन के बहुत अफसोस हुआ, कैसी तबीयत है उसकी? अफान भाई बता रहे थे कि अब बहुत बेहतर है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं उसे। आंटी आई एम रियली सॉरी, ये सारी रस्में माँ ने करनी थी, बस वो हॉस्पिटल में है। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, हम रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों में दुख सुख सांझे होते हैं। तुमने इतना तकल्लुफ किया है, अगर ये सब कुछ ना भी करते तो कोई हर्ज नहीं था। अरे ये तो रस्में दुनिया है, निभानी पड़ती है। बिल्कुल सही कहा, मुझे भी एक रस्म निभानी है। कैसी रस्म? आंखें बंद कर लेने से तूफान टल नहीं जाता। देखिए अफवान भाई, आप उसको घर से बाहर निकाल दें। अभी तो सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद की उसने, पता नहीं और किस किस की जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैं बता रही हूँ आपको, निकाल दो उसे घर से। उसे बहुत बड़ी गलत फहमी हुई, उसकी बहुत महंगी कीमत चुका रहे हैं। तुम्हें खोने का नुकसान नहीं उठा सकते, प्लीज। से नहीं सहा जा रहा अफवान भाई, फवाद की बेरुखी, उसने मुझे ठुकरा दिया अपने अमल को। मैं कितना रोई उसके आगे, चीखी, हाथ जोड़े, मिन्नतें की उसकी, मगर वो पत्थर बना, सब सुनता रहा। वो तो मेरे नाराज होने से तड़प जाया करता था और मुझे तड़पा के चला गया, मुड़कर भी नहीं देखा मुझे। आपने भी नहीं डांटा उसे, क्यों नहीं कहा आपने उसे कुछ, क्यों नहीं बताया उसे कि उसकी अमल की सांसें उसकी वजह से चलती है? वो गया तो वो भी रुक जाएंगी। आपको भी मुझ पे तरस नहीं आया?
माफी की रस्म यार, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। बहन की मोहब्बत में मैं रिश्तों को भूल गया था, ना जाने क्या कुछ कह दिया, उस वक्त मैं अपने होश आवाज खो बैठा था, मुझे माफ कर दो। अरे अहमद कैसी बातें कर रहे हो यार, इसमें माफी की क्या बात है? देखो जो हुआ हम उसको बदल तो नहीं सकते, मगर भूल तो सकते हैं। भूल जाएंगे। खैर एक बात का तो अंदाजा हो गया, आप भी अपनी बहन से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी हम फौजिया से। इतनी मोहब्बत के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना अपना फर्ज समझता हूँ। यार तुमसे एक दरख्वास्त है, उसकी नादानियों को दरगुजर कर देना। कोशिश करूँगा। कोशिश तो कामयाबी होती है। अच्छा तुम अगर बुरा ना मानो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। बस निग्गो आ जाए, सुबह से 10 बार पूछ चुकी है कि कब जाना है, किस वक्त जाना है। नाजो की एक ही दोस्त है। बोलो ना बेटा। मैं बोलता हूँ। वकील क्या बात है, मैं कहना चाह रही है। गुस्सा नहीं आता हमारी खुद गर्जी पर? कैसी खुद गर्जी? हमें अपने दुख याद रहते हैं और अपने दुख दर्द तुम्हें सुनाकर खामोश भी हो जाते हैं, और तुम सुन भी लेते हो, सह भी लेते हो। तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्यों नहीं कहते कि मामा मुझे तकलीफ है, मेरी खुशियां छीन ली गई है, मेरा चैन सुकून नोच दिया गया है? कुछ तो बोलो बेटा, तुम्हारी ये खामोशी ना मेरे दिल का बोझ बढ़ा देती है। अपनों से क्या सीखा है? प्रॉमिस यू मुझे कोई शिकायत है, कोई शिकवा नहीं। सब किस्मत का खेल है, कुछ चीजें नसीब में होती है और नसीब से कोई नहीं जीत सकता। मुझे कोई दुख नहीं, I'm okay। देखो बेटा, जिन हालात में शादी हुई मैं उसकी तुमसे माफी। नहीं अम्मी, जो कुछ भी हुआ किस्मत में शायद यही लिखा था, आप इसकी माफी क्यों मांग रही हैं? मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो नाजो दिल की बहुत अच्छी है, बस जरा झल्ली सी है। तुम अपने दिल में उसके लिए कोई बुराई नहीं रखना। अम्मी नाजो भाभी मेरी भाभी बन चुकी है और मेरे दिल में उनके लिए ऐसी कोई बात नहीं है। ये घर मेरा है, इस घर से जुड़ा हुआ हर रिश्ता मुझे अजीज है। जीती रहो बेटा, ऐसे तुम खुश तो हो ना? कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। मेरी बहन बड़ी खुश लग रही है। बस इन्हीं की वजह से तो मेरी जिंदगी में रंग है, खुश नहीं होंगी तो क्या होंगी। बस कल रात को काफी परेशानी हो गई थी, सारी रात आवाजी ने हॉस्पिटल में गुजारी, बताया नहीं आपने? हाँ हाँ बताया, बहुत अफसोस हुआ सुन के। अल्लाह उन्हें सेहत दे। सोच तो होना ही था। मेरे ख्याल से इस बात को रहने देते हैं, अब वो घर आ गई है ठीक है। अल्लाह तेरा शुक्र,
पता है मैं इतनी दुआएं मांग रही थी रात से, नफलें भी मान ली थी, मेरे ख्याल से पढ़ लेती हूँ तुम। अहमद भाई आप तो मुझे बाहर ही छोड़ आए थे। नाजो कैसी है नाजो? अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसी? मैं ठीक, तुम कैसी हो? मैं कमरे में जाए हम? इसमें पूछने वाली क्या बात है? अभी तक बचपना नहीं गया इन लोगों का। सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हो तुम, लेकिन अपनी माँ से झूठ नहीं बोल सकते। कैसे कबूल करोगे तुम कि नाजो तुम्हारे भाई की बीवी है? अल्लाह पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरे बच्चों की खुशियों को। ये रिश्तों की बेकरती भी कैसे सहेंगे हम? सहना होगा माँ, सहना होगा। हकीकत कबूल ना करने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। हकीकत यही है कि अब नाजिया अब इस घर की बहू, आवाज की बीवी, मेरे लिए काबिल एतराज़। इससे बढ़ के और कोई बात नहीं। मगर अफान बेटा, हमारी जिंदगी में जो तूफान आया उसने खूब तबाही मचाई, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। जो कुछ बचा कुछ आया उसे हमें ही समझना होगा, उसे हमें ही समझना होगा। चाहिए आपको? नहीं, मैं तो सिर्फ आपको थैंक्स करने आया। किस बात का? आपने अमित भाई के सामने उसके लिए जो फवाद जी, जहां रिश्तों को इबादत का दर्जा दिया जाए वहां शुक्रिया की गुंजाइश नहीं होती। मैंने तो बस आपकी इबादत में थोड़ा सा हिस्सा डाला। जानती हूँ आपकी मोहब्बत के दर्जे तक पहुँचते पहुँचते मेरी उम्र बीत जाएगी, लेकिन हम दोस्त तो बन सकते हैं ना? दोस्त? हाँ दोस्त, जहाँ ना कोई उम्मीद हो ना ही शिकायत, बन सकते हैं ना? हे नाजो क्या बताऊं मैं तुझे, एक ही दिन में तेरी फौजिया भाभी ने ना अहमद भाई पे कब्जा कर लिया है। आंखों ही आंखों में बातें हो रही थी, मुझे तो लगता है बहुत जल्द पूरे घर पे कब्जा कर लेंगी ये। ऐसे कैसे कब्जा कर सकती? नाजो मरी नहीं है, सिर्फ रुखसत हुई है उस घर से। फौजिया का तो कुछ करना ही पड़ेगा, जाके बता देना उसे कि वो घर भी मेरा है और ये घर आसानी से अपना हक नहीं मारने दोगे उसे। हाय नाजो, एक तेरा ही आसरा है, यकीन मान एक ही दिन में ना पराया पराया से लगने लगा है वो घर। फिक्र मत कर, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इन लोगों को कैसे ठीक करना। अच्छा छोड़ ये सब, ये बता कि मुंह दिखाई में क्या मिला? जो हालात बने हुए थे उस वक्त, मुंह दिखाई की तो नौबत ही नहीं आई। ये क्या, कुछ भी नहीं? हाँ लेकिन इसमें इतनी अफसरदा होने वाली क्या बात है? फवाद जी को तो मैं काबू कर ही लूंगी, देखती हूँ कब तक मुझसे दूर भागता। ये तो तूने 16 आने सच कहा है,
काबू करना तो कोई तुझसे सीखे, पर ये बता ये तू करेगी कैसे? जब तक ये अमल नाम का कांटा मेरी जिंदगी में है, मेरे ख्वाब ख्वाब ही रहेंगे। मरने का ड्रामा करके मेरी सुहाग रात का ख्वाब तोड़ दिया उसने, लेकिन अपनी जिंदगी का ख्वाब नहीं तोड़ने दूंगी। तू करने क्या वाली है? ये तो समझ में नहीं आ रहा ना कि क्या करूं। तू भी कुछ बताना, मैं क्या करूं? कुछ ऐसा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आइडिया। क्या? जान तो हमारी भी सलामत नहीं, ये बिजलियां गिराने कहां जा रही हो? तुमसे मतलब? अब तो सारे मतलब हमसे ही हैं, you know what I mean. By the way, तुम्हारी तैयारी में ना एक चीज रह गई है। गी? क्या? मेरी तरफ देखो। ब्यूटीफुल। अब हुसन मुकम्मल हो गया। अमल आई, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। ना छोड़ा तो फांसी आ जाएगी। आने दो, खाला को बता देगी। बताने दो। इश्क है।